वेलकम टू आवर चैनल मेघा इंडियन किचन्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्पेशल डिश जिसे कहते हैं आलू के पराठे, जो कि काफ़ी यमी और डिलीशियस बनने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। तो हमने लिए 5 आलू जिसे हमने बॉईल करके लिया है, गेहूं का आटा, 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट पाउडर, हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम आलू को स्मैश करेंगे। अब इसमें जाएगा हरी मिर्ची, हरा धनिया, अब जो पाउडर मसाले हैं वो सब हम ऐड करेंगे। अजवाइन और जीरा, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच ऑयल, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मिक्सचर को। अब हमने ये मिक्सचर को प्रॉपरली मिक्स कर लिया है एंड ये हमारा मिक्सचर जो कि रेडी है, आप देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले हम गेहूं का आटा है उसे भुनेंगे। तो इसमें अब जाएगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच ऑयल। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी सबसे पहले। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अब हमारा आटा भून के हो चुका है, हम इसे अभी 10 मिनट ऐसे ही रेस्ट होने देंगे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की ओर। अब 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे, क्योंकि हमें इसमें जो आलू की स्टफिंग है वो फिर भरनी है। तो मैं इसके अभी फटाफट गोले बना लेती हूँ। Thank you.
इस तरीके से हमें गोले तैयार करने हैं, तो मैं पूरे आटे का अभी ये गोले तैयार कर लेती हूँ। गोले हमने रेडी कर दिए हैं, अब हम बढ़ते हैं पराठे के आगे की प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा बेल लेंगे। यहाँ पर मैं घी यूज करूंगी, तो थोड़ा सा हम घी इसमें लगाएंगे। और ये जो स्टफिंग जो हमने रेडी की है आलू की, ये इसमें मैं फील करूंगी। ये इस तरह से हमें फील करना है। थोड़ा सा आटा हम स्प्रेड करेंगे और इसे धीमे धीमे से हमें बेलना है। अब इसे हमने अच्छी तरीके से बेल लिया है, अब मैं इसको पैन में डालूंगी। बट सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा घी डालूंगी, अब ये जाएगा पैन पे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी फैलाएंगे। अभी हमारा पराठा जो कि रेडी हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा और घी डालूंगी। बच्चे लोग घी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है, अब इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी बना लेते हैं। तो हमारे आलू के पराठे सब बन चुके हैं, आप ये देख सकते हो। इसकी स्टफिंग भी, ये देखिए, ये प्रॉपरली इसमें फिल किया है हमने, ये देखिए। और ये काफ़ी यमी और डिलीशियस लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपके जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो बेल आइकॉन है वो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।